होगा। चालू कर लिया हूँ। वन सेकेंड रोल। या लुक सेंटर। नहीं हाथ हटाना नहीं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को एंड आप सबकी वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सब कह रहे हैं मैं बहुत नेचुरल थी घर के अंदर एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने टॉप किया सब गर्ल्स के अंदर भी। सो या बॉयज थोड़ा सा आगे रह गए पर गर्ल्स की बात तो यही है ना मलारा बे। अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला एंड उन्होंने तो बहुत बड़ी बिग बॉस की फैन भी रही हैं एंड उनको पता था कि गेम के बारे में कैसा करना है एंड सब प्लस वो एज अ कपल आई थी विक्की भाई के साथ। मैं तो इंडिविजुअली घर पे अकेले गई थी और मैंने घर पे बहुत मजे करे हैं। मेरे लिए 3 महीने बिल्कुल मज़ेदार और एकदम हॉलीडे वाले थे और करते 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 मैंने यस आपने जैसे बोला मैंने उन्हें बीट करा तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड हूँ एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। ये कहा गया कि निनावर के वजह से आप टॉप 5 तक पहुंचे। सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंटरटेनिंग तो मैं थी एंड हमेशा वीकेंड के बाद में सलमान सिंह से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से हुआ है और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती दोनों वे होती सिर्फ यू नो मूवीज के लिए मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज के लिए इंटरव्यू
वांस करी थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस करी थी, मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है. मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि यू नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज इट, लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सब. बट जब वहाँ पे डिश क्या क्वेश्चन आने लगे, मैं तो डर गई. एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चन आए, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया. आई थिंक मैं बहुत लो हो गई, बिकॉज रियली विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी. क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाल के रिश्ते आए, तो विक्की भाई, ईशा, समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड यू नो चाय बनाते थे. तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार, मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है. तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है इवेंट्स में पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी करी थी, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. बिकॉज दिस इज अ जेन्युइन थिंग व्हिच आई हैव सीन. बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई वाज शायद मैं रेडी ही नहीं थी. शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली हार्ड कोर फैंस ऑफ बिग बॉस. तो शायद मैं बहुत ड्रेन हो गई थी. अगले दिन मैंने कहा हाई, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा. सो बढ़िया. देखो, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है और मैं जहाँ भी जाती हूँ बातें कर सकती हूँ. अभी भी इंटरव्यू 4 घंटे चले तो मैं आराम से बात कर लूँगी. तो ऑफकोर्स विक्की अंकिता बार बात करेंगे तो मैं क्यों मना करूँगी यार. अच्छा, ये भी कहा गया कि जब मुनावर से दाल नहीं करी तो विक्की भैया का सारा मुनावर से दाल नहीं करी. अरे नहीं 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 नहीं, वो दाल बहुत अच्छी कहलाता है. उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शो में और वो कुकर में सीटियाँ डाल डाल के अच्छे से दाल गलाता है. तो मुनावर की दाल है तो कैसी नहीं गलेगी. बट आई थिंक शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी. और जब मैंने मुनावर से डिस्कस करा कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरे को, मैं उसको बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जानती नहीं थी, मैं उसको शो के अंदर ही मिली हूँ और मुझे उसका प्रोफेशन वगैरह भी इतना पता नहीं था. लाइक स्टैंड अप देखते हैं हम लोग, बट उनका नाम किसका क्या, यू नो लाइक अब मैं जाके बहुत स्टैंड अप देखूँगी. बट मैंने नॉलेज के लिए कि ये भी एक प्रोफेशन होता है जो आजकल बहुत सीरियस हो गया है. थैंक यू कि मैंने नहीं बोल सपोर्टिंग मी. ओके ओके, सो थैंक यू कि मैंने नहीं फॉर सपोर्टिंग मी. आपने मुझे सपोर्ट करा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पर्सनालिटी से अपनी रिस्पेक्ट भी रखी शो में और अपनी फैमिली की भी. सो थैंक यू मिमी दीदी एंड लोड्स ऑफ लव टू मालती. फिर आप उससे जाके पूछो, मुझे नहीं पता. अच्छा, आयशा के आने के बाद मैं उसके लिए पोजेसिव लगी. वो दोनों क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं देखा क्या? आप वो भी ना देखो यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.